प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह के। मेरे अजीज तो आज लाइव प्रार्थना चलन पे नहीं आएगी, इसलिए छोटी सी प्रार्थना है, इसे जरूर सुने और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना से पहले अपने आप में सौंपता हूँ। प्रभु आज की वचन प्रार्थना तेरा पे सौंपता हूँ, जो उसके बाद लाइव प्रार्थना आएगी पिता, तो तेरा ही चलन है पिता, हर चलन पर तेरी आत्मा तेरा अभिषेक है पिता, और जितने लोग जुड़े हो सब ब्लेस हो, उस चलन पर भी तेरी अभिषेक हो पिता, ताकि जब लोग वहाँ जुड़ते हैं तो आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा जी तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, लेकिन उस बात करने का क्या कारण होगा? आज आत्मिक आंखें हम बात करते हैं, आज मैं बात कर रहा हूँ आत्मिक कानों की, जो प्रभु आपके आत्मिक कानें खोले, क्योंकि कानों से हम बुराई सुनते हैं, कानों से हम अश्लील बातें सुनते हैं, कानों से हम चुगलियां सुनते हैं, लेकिन आज सांसारिक कान नहीं, आज वो आत्मिक कान खुलेंगे और प्रभु की वाणी आपको सुनाई आएगी। हालेलुया। कि जब परमेश्वर किसी कान खोलता है तो अपने वचन देता है, और वचन क्या है? आपके छुटकारे के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके घर की आशीष के लिए वो वचन है। हालेलुया। जैसे कि आज प्रभु ने मुझे वचन दिया ताकि आपके कान खोले और परमेश्वर के वचन आपके कानों से आपके हृदय में आपके जीवन में जा सके। आप रिसीव करें आज की भविष्यवाणी को, आज रिसीव करें आज की प्रार्थना को, वचन को, जिससे कि परमेश्वर आपसे बातें कर सके। अगर आप तैयार हो परमेश्वर बात करने के लिए, तो आज प्रभु आपके कान खोलेगा। आज आपको ये बोलना है, प्रभु मेरे आत्मिक कान खोल दे, जिससे कि मैं तेरी बातों को सुन सकूं और तेरी बातों पे ध्यान लगा सकूं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, ये वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन है यशया 50, यशया 50 उसका चौथा पद, पेज नंबर 871, यशया 50 अध्याय और उसका चौथा पद कहता है, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभाला जानूं। हालेलुया। आज आप थके हुए हो, परेशान हो, परमेश्वर वचन के द्वारा हमें और आपको संभालता है। जब हम नित्य वचन पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वो एनर्जी बनी रहती है। तो क्या लिखा है? वचन के द्वारा संभाला जानू, भोर को वह नित्य मुझे जगाता है। प्रेज द लॉर्ड। कल ऐसे ही हुआ था, परमेश्वर ने मुझे 4 बजे जगाया था, अचानक मेरे भाई की आवाज़ आई, बल्कि वो सो रहा था, मैं जाग उठा तो देखा तो 4 बजे रहते। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे काम करता है अपने दासों, अपने प्रेम करने वालों के साथ। हालेलुया। लिखा है, भोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। आज परमेश्वर आपका कान खोलेगा, आपको विरोध नहीं करना। यानी कि अगर आज आपकी रात में सोते समय आपको आवाज आए, आपको आलस नहीं करना, आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, आपको उठ के बैठ जाना है, क्योंकि भोर की आवाज परमेश्वर की आवाज होती है मेरे अजीजों। और मेरा विश्वास कहता है, जैसे कल मुझे आवाज दी वैसे प्रभु आज आपको आवाज देंगे। आवाज किसी ना किसी के द्वारा आ सकती है। हो सकता है आपको लगे आपकी मम्मी हो, पापा, आपका पति हो, आपके बच्चे, आपकी पत्नी हो, या कोई भी हो सकता है, फोन की एक रिंग हो, किसी ना किसी द्वारा परमेश्वर आवाज देंगे या स्वयं भी आवाज दे सकते हैं। मेरे और आपका परमेश्वर बोलना जानता है। हालेलुया। तो वो आपको आवाज देंगे और आप आवाज सुनकर, जैसे सैमुएल को देती, जैसे हर नबी को मिलती है, भविष्यवक्ता को मिलती है, मुझे मिली वैसे आपको मिलेगी। बस अपने कान खोलना है, प्रभु अपने वचन आपके कान में डालेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे। रिसीव करें इस भविष्यवाणी को। धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट आपका इस सुंदर वचन के लिए। आज जो भी सुनेंगे पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में अद्भुत काम करना। आज सबके कानों में तेरी आवाज आने पाए। शैतान जो कान बंद कर चुका है, आज वो कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। वो आत्मिक कान जिससे तेरी आवाज को सुन सके, और तू उनके कानों के द्वारा बातें करना, उनके कानों में अपने वचन डालना, जिससे कि उनके कान के द्वारा वचन अंदर पहुंच सके और आजाद हो सके। पिता आपका धन्यवाद करता हूं, आपने ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। इस प्रार्थना के बाद अपनी प्रार्थना करके सोना आप, और लाइव प्रार्थना जरूर जुड़ना, उसका लिंक नीचे है, ताकि आप उस प्रार्थना जुड़ सको और परमेश्वर पिता आपको आशीषित कर सके। 9:30 पर प्रार्थना आएगी, लेकिन उस चैलेंज का लिंक मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ताकि आप उस चैलेंज के द्वारा सब्सक्राइब करो, उस प्रार्थना का देखो, परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। सोते समय अपनी प्रार्थना करना, कहना प्रभु मेरे कान खोल दे, परमेश्वर कान खोलेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।